अगर आपका बजट 50,000 से लेकर के 55,000 के बीच में 2023 में काफी अच्छा एम्पलीफायर ढूंढ रहे हैं जिससे आपका बेस चल पाए और ऐसा वैसा नहीं काफी तगड़ा पंच बेस और प्योर साउंड भी चाहिए तो हम आपके लिए लाए हैं ATI Pro के तरफ से MT1601। देखेंगे कि ये एम्पलीफायर क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, कितना तक का लोड डालकर चला सकते हैं और सबसे जरूरी इसका डंपिंग फैक्टर देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा जिस प्राइस रेंज में ये मिल रहा है। और स्पेसिफिकेशन भी भाई साहब काफी तगड़ा है, पूरा डिटेलिंग में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं आपका एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं प्रोडीजी इक्विपमेंट्स। तो चलिए अब बिना देर किए आज के इस बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि ATI Pro का MT1601 एम्पलीफायर दिखता कैसा है, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, कितना तक का लोड चलाना सही रहेगा, इसका प्राइस क्या होगा आपके मार्केट में, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले एम्पलीफायर का लुकिंग। तो दोस्तों आपके सामने है ATI Pro के तरफ से MT1601। तो काफी शानदार लुकिंग के साथ आता है, जैसा एम्पलीफायर मतलब कि NX Audio का है, ऑडियो टोन का, MT सीरीज का, तो सेम लुकिंग के साथ यहाँ पे आपको ATI Pro भी प्रोवाइड करा रहा है। तो देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी काफी यहाँ पे बेहतर रखा गया है, हैंडल वगैरह यहाँ पे एल्युमिनियम का इंटीग्रेटेड होने वाला, मतलब कि ये डीअटैच नहीं हो सकता है, खुल नहीं सकता है। और दोस्तों इसको फ्लैट केस में डालने के लिए यहाँ पे 4 होल्स दिए गए हैं, तो आपको तो पता ही है इसको स्क्रू वगैरह से आपको कसना होगा, ठीक है। और फैन का जो मतलब कि एयर वेंटिलेशन के लिए काफी यहाँ पे तगड़ा इंतजाम कर रखा है ATI Pro वालों ने, कि यहाँ पे जो है ना आपका फ्रंट में एक पैन मतलब कि यहाँ पे फैन होगा और वहाँ पे आउट मतलब कि जहाँ पे एग्जॉस्ट होगा तो वहाँ पे भी एक फैन है, मतलब कि एक चैनल को ठंडा करने के लिए 2 फैन का यूज किया गया, टोटल फैन का क्वांटिटी 4। और दोस्तों बात करें यहाँ पे डस्ट फिल्टर भी लगाया गया ताकि धूल कण कम से कम प्रवेश करे एम्पलीफायर के अंदर। और यहाँ पे जो है ATI Pro का ब्रांडिंग मतलब लोगों के साथ आपको देखने को मिलने वाला है इंजर्ड इन इटली और MT1601 जो कि इसका मॉडल नंबर होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे 4 इंडिकेटर्स दिया गया, एक्टिव का, सिग्नल का, क्लिप का और प्रोटेक्शन का। आइए डिस्कस कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले एम्पलीफायर को ऑन करने के साथ आपको दोनों साइड में एक्टिव जल जाएगा, साथ प्रोटेक्शन के साथ ऑन होगा, फिर भी आपका प्रोटेक्शन हटने के बाद आपका ऑपरेशनल मोड मतलब कि एक्टिव मोड में यह चला जाएगा। फिर दूसरा है कि ग्रीन का इंडिकेटर, तो ये आपको शो करा रहा होगा कि आपका एम्पलीफायर जब प्ले होगा साउंड, आप जब चलाओगे इसमें तो आपको सिग्नल ब्लिंक होता हुआ नजर आएगा। और क्लिप जब आप थोड़ा सा कैपेसिटी से ओवर जाने लगोगे तो आपको क्लिप भी ब्लिंक होता हुआ नजर आएगा, उससे क्या होगा कि आपका जो है ना स्पीकर फूकने का चांस है, तो उसको बचाने के लिए थोड़ा सा लिमिट में रखिए और काफी मस्त आपका चलने वाला है, मतलब कि टेंशन वेंशन आपको नहीं देगा, ठीक है। और ये जो स्विच देख रहे हैं ये नॉर्मल स्विच में नहीं है, ठीक है, जैसा कि आपके घर में जो बोर्ड में MCB लगा हुआ है तो सेम ये आपका MCB है, स्विच है, ठीक है, MCB के अंदर ही स्विच है, यह स्विच के अंदर ही MCB लगा हुआ है। अगर कुछ शॉर्ट सर्किट होगा, आपके बॉक्स का तार अगर सट जाता है या फिर स्पीकर वगैरह गल जाता है तो डायरेक्टली ये ऑफ हो जाएगा, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। फिर भी हम आपको रिकमेंड करेंगे कि कनेक्शन वनेक्शन का थोड़ा ध्यान रखिएगा, टेप वेप कर लीजिएगा। और काफ़ी यहाँ पे शानदार और काफ़ी अच्छा यहाँ पे टच दिया गया इसको, ठीक है। और ये जो चैनल ए चैनल बी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपको एक गेन नॉब दिया गया, ठीक है, इसमें थोड़ा सा काफ़ी अच्छा लगेगा, जब एम्पलीफायर का वॉल्यूम को घुमाओगे ना तो काफ़ी एक अलग से वाइब आपको आएगा, मतलब ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा घुमाने में। और गोड़ी वगैरह काफ़ी अच्छा यहाँ पे रखा गया, मतलब कि काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया गया इसमें, तो गोड़ी तो मेटल का नहीं होता है, फिर भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे सेंटर में जो है इसको पावर देने के लिए काफ़ी अच्छा क्वालिटी का ट्राइडल ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया, जो कि इसका डंपिंग फैक्टर को और पावर को जनरेट करने में काफ़ी हेल्प करता है। और मॉड्यूल को ठंडा करने के लिए वही एक चैनल पे 2 फैन और दूसरे चैनल पे भी 2 फैन आपको देखने को मिलने वाला है। बैक पैनल पे वही आपको दे दिया जाएगा, वही स्विचेस वगैरह सेंसिविटी का, गेन का, ठीक है, और उसके बाद फिर किस मोड में चलाना चाहते हैं, पैरेलल, स्टीरियो, ब्रिज में, लो पास, हाई पास का एक स्विच मिल जाएगा, ठीक है, और लिमिटर का ऑन ऑफ का करने के लिए स्विच मिल जाएगा, साथ में ग्राउंड का भी ऑन करने के लिए स्विच ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। तो ये सब फीचर्स रहेगा, XLR भी रहेगा और TRS पिन भी रहने वाला है इनपुट करने के लिए, आप अगर दूसरे एम्पलीफायर में भी देना चाहें तो आप उसका यूज कर सकते हैं, इनपुट भी कर सकते हैं।
और इस पिकॉन भी काफी अच्छा क्वालिटी का, यहाँ पे न्यूट्रिक का यूज किया गया और साथ में बाइंडिंग पोस्ट भी रखा गया। अगर आप इस पिकॉन यूज नहीं करना चाहते, काफी अच्छा इंतजाम कर रखा है इन्होंने, तो आप दोनों ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ब्रिज मोड में भी चला सकते हैं, स्टीरियो मोड में भी चला सकते हैं, पैरेलल मोड में भी चला सकते हैं। तो हम आपको थोड़ा सा एक लुकिंग और दिखा देते हैं एम्पलीफायर का, तो देख सकते हैं अंदर का कुछ नजारा ये होने वाला है। बेसिकली ये MT-801 का यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छा यहाँ पे लग रहा है, देख सकते हैं। हम जैसा आपको बोले कि यहाँ पे चार फैन का यूज किया गया, तो ये MT-801 है, तो देख सकते हैं यहाँ पे दो फैन इधर, दो फैन इधर, और देख सकते हैं ट्रांजिस्टर वगैरह किस तरह से यहाँ पे लगाया गया। मॉड्यूल काफी अच्छा यहाँ पे फिनिशिंग दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, काफी अच्छा टच है। और वही ट्रांसफार्मर देख सकते हैं, ट्रायडल ट्रांसफार्मर काफी अच्छा क्वालिटी का यूज किया गया। तो इमेज में ऐसा दिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बिल्ड क्वालिटी किस तरह से रहा होगा। और सबसे जरूरी इसका खजाना जो है, ट्रायडल ट्रांसफार्मर के बगल में यहाँ पे देख सकते हैं कैपेसिटर से लगा हुआ है, जो कि पावर को स्टोर करता है और काफी स्मूथ साउंड आपको प्रोवाइड कराता है। और वही सब आपको देखने को मिलने वाला, और यहाँ पे कुछ नहीं है। एक इमेज और दिखा देते हैं, तो देख सकते हैं फ्रंट से कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलने वाला है, वही MCV स्विच और डस्ट फिल्टर और ग्रिल काफी यहाँ पे यूनिक लग रहा है। तो इस तरह से आपका एम्पलीफायर दिखने वाला है। आइए अब इसका पूरा डिटेलिंग हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों हमेशा की तरह हम आपको ऑथेंटिकेशन नॉलेज देने के लिए, जो भी इसका बात है मतलब क्या है नहीं है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके पूरा डिटेलिंग हम आपको दिखा देंगे। कोई भी एडिटिंग यहाँ पे हम आपको नहीं करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मॉडल नंबर इसका MT-1601 देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और 8 ओम का लोड कैपेसिटी का अगर बात करें इस एम्पलीफायर का, तो आपको मिल जाता है 1700 वाट पर चैनल। 4 ओम के लोड पे आपको मिल जाता है 2250 वाट पर चैनल। 2 ओम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है इन्होंने, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर भी हम आपको बता देते हैं, ये अप्रोक्स जो 2 ओम के लोड पे आपको आउटपुट निकाल के दे देगा, 3000 तक दे देगा, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने रिकमेंड नहीं कर रखा है, तो आपको चलाना भी नहीं है, ठीक है। और ब्रिज मोड का आउटपुट का बात करें, तो 4200 वाट का आउटपुट आपको देखने को मिलने वाला है। 4 ओम पावर यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5200 वाट, मतलब कि दोनों चैनल को मर्ज करके एक कर दीजिएगा ब्रिज मोड में, तो आपको यहाँ पे 5200 वाट का आउटपुट मिल जाएगा। अगर आपके पास हैवी एकदम कड़क स्पीकर है, जैसे कि 2200 वाट का स्पीकर है, तो ब्रिज मोड में ऑपरेट कर सकते हैं आप इस एम्पलीफायर को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट वही गेन वेन का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बट आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम भी कभी कभी ब्रिज मोड का यूज़ करते हैं। और मैक्स पीक आउटपुट वोल्टेज है इस एम्पलीफायर का 138 वोल्ट, ठीक है। तो कनेक्शन वनेक्शन को छू मत दीजिएगा, वरना फिर झटका भी लग सकता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है इस एम्पलीफायर का, देख सकते हैं यहाँ पे 0.3 dB प्लस यहाँ पे क्या है 1 volt 8 ohm, मतलब कि वो ले सकता है करंट वगैरह वगैरह। और सबसे जरूरी जो कि हम आपको बोले थे, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो डंपिंग फैक्टर है, जो भी प्राइस के रेंज में आपको दिया जा रहा है स्पेसिफिकेशन, काफी अच्छा दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको कम में मत आंकिएगा। बेस चलाने के लिए काफी रिकमेंड किया जाता है 1000 का डंपिंग फैक्टर, अगर ज्यादा है तो और भी बढ़िया, लेकिन 1000 मिनिमम अगर रहे, इसे 800 भी रहे तो काफी अच्छा, आपको पंच वाइब्रेशन आपको एकदम हिला के दलका के रखने वाला है। तो 1000 का डंपिंग फैक्टर है, काफी अच्छा कड़क पंच आपको मिलने वाला है। आइए और भी डिटेलिंग बताते हैं। और यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड इनपुट सेंसिटिविटी रेट जो इसका पावर 8 ओम देख सकते हैं यहाँ पे 0.775 वोल्ट, मतलब कि यहाँ पे वही जो सेंसिटिविटी का स्विच के बारे में जो बताए थे ना, वही ये स्विच होने वाला है। इनपुट इम्पीडियंस बैलेंस एंड अनबैलेंस यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 20k ohm आपका हो जाएगा बैलेंस और 10k ohm हो जाएगा अनबैलेंस। और ये जो इसका सर्किट जो है, इसके अंदर में जब जो पार्ट पुर्जा यूज किया गया, मतलब मॉड्यूल का बात कर रहे हैं, वो क्लास H देखने को मिलने वाला है। तो काफी अच्छा यहाँ पे सर्किट भी होने वाला है। इनपुट कनेक्टर के लिए आप वही 3 पिन XLR और यहाँ पे आपको वही TRS पिन भी देखने को मिलने वाला है, ठीक है। देख सकते हैं XLR एंड 3 पिन मेल आपको देखने को मिलने वाला है। कूलिंग के लिए वही 2 रियर पैनल वेरिएबल स्पीड DC फैन का यहाँ पे यूज किया गया। फिल्टर वही जो डस्ट फिल्टर के बारे में बताए थे कि धूलकण कम से कम प्रवेश करेगा, तो वही यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। LED इंडिकेटर्स के लिए वही पर चैनल यहाँ पे क्लिप लिमिटर सिग्नल और टेम्परेचर DC एक्टिव का देखने को मिलने वाला है। डायमेंशन वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे 3U का साइज होने वाला है, मतलब कि जो भी फ्लैट केस में फिट करोगे तो उसका बता रहे हैं। और नेट वेट है इस एम्पलीफायर का 40 kg, तो उठाने बैठाने में भी कोई ज़्यादा वेट नहीं है, बाकी दो आदमी मिलकर उठाइएगा। तो प्राइस के बारे में भी बताएंगे, उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें आप कैसे लोड चला सकते हैं। आइए लोड कैलकुलेशन देखते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास सिंगल बेस है
1500 वाट RMS पावर का, जो भी RMS पावर का स्पीकर आता है, अगर आपके पास JBL मॉडल में RCF मॉडल में अगर बेस है तो आप इस पे 1500 वाट से लेकर के 1800 वाट तक का लोड दे सकते हैं, आराम से ये चलाने वाला है। RMS पावर का स्पीकर बात कर रहे हैं। AS पावर का अगर स्पीकर है आपके पास, जैसे कि PODO के ब्रांड में और ATI Pro के ब्रांड में भी शायद AS पावर के जो स्पीकर आता है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। 2000 वाट तक का लोड आप दे सकते हैं। AS पावर का स्पीकर काफ़ी एकदम ठोक के बजाने वाला है। और अगर डुअल बेस है RCF मॉडल में या फिर JBL मॉडल में, तो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है 2250 वाट का लोड। तो अगर आपके पास हजार वाट का RMS पावर का स्पीकर है तो काफ़ी अच्छा चलाने वाला है। लोड टू लोड यहाँ पे आपका होने वाला है, मतलब कि एम्पलीफायर से थोड़ा सा कम रहेगा तो काफ़ी अच्छा पंच वाइब्रेशन आपको मिल जाएगा। 1200 वाट RMS पावर का भी स्पीकर है तो आप चला सकते हैं, बट थोड़ा सा क्लिपिंग आपको देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा मिल सकता है, लेकिन आप के पास है 1200 वाट का तो आपको निराश नहीं होना है, आप इस पे आराम से चला सकते हैं। 2 ओम का लोड तो यहाँ पे रिकमेंड नहीं किया गया है। अगर टॉप चलाना चाहें 2 ओम के लोड पे अगर वैसा स्पीकर है तो हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, यहाँ पे कंपनी भी रिकमेंड नहीं कर रहा है, तो आपको वही करना है। तो जो काम हम लोग को नहीं बोला जाता है तो नहीं करना चाहिए, ताकि हमारा एम्पलीफायर लॉन्ग लाइफ तक चलते रहे, कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं हो। ब्रिज मोड का यूज़ करना है तो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास मैसिव वाटेज का स्पीकर है, जैसा कि 21 इंच का स्पीकर आ रहा है 18 इंच में, और भी जैसे कि मैक्सिमम तो हम देखें 2500 2800, तो अगर आपके पास 4200 वाट मतलब कि 4000 वाट तक का स्पीकर है सिंगल स्पीकर, तो आप यूज़ कर सकते हैं 21 इंच जो भी आता है उससे ओवर का, तो आप एक स्पीकर चला सकते हैं इस एम्पलीफायर में ब्रिज मोड डाल के। अगर 2 स्पीकर है आपके पास, तो जैसे कि 2200 वाट का है तो आप चला सकते हैं। जैसा कि पेंजा ऑडियो का एक हम स्पीकर रिव्यू किए हैं, आई बटन में लिंक लगा देंगे, तो आप उस स्पीकर का बेस बना करके, सिंगल सिंगल बेस बना करके आप यहाँ पे ब्रिज मोड का आउटपुट मतलब कि ब्रिज मोड का लुत्फ उठा सकते हैं। तो इस तरह से आप ब्रिज मोड में भी यूज़ कर सकते हैं और जैसे नॉर्मल चलाते हैं वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में हम आपको बता दिए, टॉप वगैरह भी आपको यहाँ पे 2200 वाट का आउटपुट मिल रहा है तो सिंगल सिंगल टॉप चला सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 800 से लेकर के 1000 वाट तक का स्पीकर है तो आप इस पे दे के चला सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बट हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप स्पेशल इसमें बेस ही चलाओ तो काफ़ी अच्छा आपको वाइब पंच वाइब्रेशन जो भी आप बोल सकते हैं तो आपको वो मिल जाएगा इस एम्पलीफायर पे, ठीक है। तो हम आपको लोड कैलकुलेशन भी बता दिए, इसका डिटेलिंग भी जो होता छोटा से बड़ा तो हम आपको सब कुछ बता दिए, अगर कुछ छूट गया हो तो आपसे क्षमा चाहेंगे। अब हम आपको इसका प्राइस के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों ATI Pro का जो MT-1601 एम्पलीफायर जो आपको दिख रहा है, इसका प्राइस होने वाला है 50,000 से लेकर के 55,000 के बीच में, ठीक है। तो 5,000 का डिफरेंस हम आपको बता दिए, तो इस प्राइस के रेंज में आपको ये एम्पलीफायर आराम से मिल जाएगा आपके मार्केट में, 51 में भी मिल जाएगा, 52 में भी मिल जाएगा, 53 में भी मिल जाएगा, कुछ कह नहीं सकते, बट 55 के बीच में ही ये एम्पलीफायर आपको मिलने वाला है। जो भी आपके स्टेट में टैक्स लगता है तो उसके हिसाब से ये ऊपर नीचे हो जाएगा, 1000-2000 का जो भी होगा आप डिफरेंस मैनेज कर लीजिएगा। बाकी आपका 50,000 से लेकर के 55,000 का बजट है तो आप इस एम्पलीफायर में इन्वेस्ट करके बेस चलाइए, काफ़ी अच्छा आउटपुट पंच और स्मूथ साउंड आपको मिलने वाला है, प्योर साउंड भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो ATI Pro MT-1601 के बारे में। इस एम्पलीफायर पे आप बेस चलाइए, काफी दलकाने वाला पंच के साथ वाइब्रेशन और प्योर साउंड आपको मिलने वाला है। ये एम्पलीफायर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, यदि कुछ रह गया हो तो आपसे क्षमा भी चाहेंगे। और दोस्तों ATI Pro का काफी पावरफुल स्पीकर TX1850 बेस है, 5 इंच वॉइस कॉल के साथ आता है, क्या सच में कलेजा फाड़ देगा, जानना चाहते हैं एंड स्क्रीन पे टैप करके देख लीजिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं नए वीडियो में, स्टे ट्यून, बाय बाय।